हेलो फ्रेंड्स कैसे हैं आप लोग उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे मस्त होंगे मज़े में होंगे होगी गणित की बारिश होगी गणित की बारिश भींगेंगे हम भींगेंगे आप और देखेगी दुनिया सारी ना संघर्ष ना तकलीफ़ तो खाक मजा है जीने में ना संघर्ष ना तकलीफ़ तो खाक मजा है जीने में बड़े बड़े तूफ़ान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में आइए दोस्तों आज हम लोग योग फल यानी कि जोर इसको पढ़ेंगे आपको आश्चर्य लग रहा होगा सर जोर तो हम लोग जानते हैं ये तो क्लास वन के बच्चे ज़ोर को बनाते हैं लेकिन ज़ोर बनाते तो हैं लेकिन इसमें जो रहस्य है जो बहुत कम लोगों को मालूम होता है उस पर आज फोकस करेंगे आइए देखते हैं आपके सामने लिखा हुआ है सेवन सिक्स फाइव फोर और नीचे लिखा हुआ थ्री एट सिक्स नाइन इसको जोड़ना है अब क्या बोलेंगे कि सर चार में नौ को जोड़ेंगे तो नौ में चार जोड़ दीजिए नौ चार तेरह आपके बोलते सर तेरह का तीन और आप लोग बोलते हैं बच गया एक और इंग्लिश मीडियम जो बच्चे होते हैं वो बोलता है कैरी वन जरा मुझे बताइए आप जो कहते हो कि नौ में चार जोड़ेंगे तेरह होगा और तेरह में तीन यहाँ लिख लेंगे और कैरी एक हो जाएगा यानी कि एक बच जाएगा ये बोलना क्या बिल्कुल ही गलत है क्योंकि तेरह में जब हम तीन रखेंगे तो एक कैसे बचेगा एक बेवकूफ लोग से यदि पूछेंगे आप कि तेरह में तीन रख लिए हैं बताओ कितना बच गया आपको तो वो आपको बोलेगा कि दस बच गया एक नहीं बचा लेकिन मैक्सिमम बच्चे क्या बोलते हैं कि नौ चार तेरह का तीन बच गया एक तो एक क्या बचता है एक नहीं बचता है क्या बचता है दस बचता है फिर यह प्रश्न उठता है सर जब दस बचता है आप कह रहे हैं कि जो बाक़ी है वो दस बचता है तो फिर हम आगे जो जोड़ते हैं उसमें दस तो नहीं जोड़ते हैं वहां हम जोड़ते हैं एक फिर यहां फंस गए कि सर बचा दस लेकिन जोड़ते क्या हैं एक जोड़ते हैं ऐसा कैसे हो रहा है आइए देखते हैं सबसे पहली बात आपको जानना होगा कि ये जो इसको हम लोग कहते हैं इकाई इसको बोलते हैं दहाई इसको बोलते हैं सैकड़ा इसको बोलते हैं हजार इकाई दहाई सैकड़ा हजार तो इकाई में इकाई जोड़ेंगे इकाई में इकाई जोड़ा जाता है दहाई में दहाई जोड़ते हैं सैकड़ा में सैकड़ा को जोड़ेंगे और हजार में हजार को जोड़ेंगे आइए देखिए चार इकाई नौ इकाई चार इकाई में नौ इकाई को जोड़ देंगे कितना हो जाएगा तेरह इकाई तेरह इकाई में तीन इकाई हमने लिख दिया है कितना बच गया तो बच गया आपका तो दस इकाई क्या बच गया दस इकाई और दस इकाई बराबर क्या होता है एक दहाई दस का कितना होता है एक दहाई होता है अब हम किसको जोड़ रहे हैं दहाई वाले को तो दहाई में दहाई जोड़ेंगे ना बचा तो दस था लेकिन दस क्या है इकाई है बचा तो दस नौ में चार को जोड़ दिए तेरह तेरह में तीन लिख दिए बचा कितना दस लेकिन दस जो बचा वो क्या था इकाई था और अब हमें जोड़ना किसको है दहाई को तो दस इकाई बराबर क्या होता है एक दहाई तो इसी एक दहाई को हम इसमें जोड़ देते हैं तो छः पाँच ग्यारह दहाई और ग्यारह एक बारह दहाई बारह दहाई में दो दहायाँ यहाँ लिख देंगे कितना बच गया बच गया आपका दस दहाई और आपको मालूम है कि दस दहाई बराबर क्या होता? दस क्या होता है एक सैकड़ा दस दहाई क्या होता है एक सैकड़ा होता है तो अब हम क्या करेंगे चूंकि सैकड़ा को जोड़ रहे हैं तो सैकड़ा में सैकड़ा को जोड़ेंगे ना कि दहाई को जोड़ेंगे बचा दस लेकिन दस दहाई था और दस दहाई बराबर क्या होता है एक सैकड़ा होता है तो छः आठ चौदह सैकड़ा चौदह एक पंद्रह सैकड़ा तो पंद्रह सैकड़ा में पांच लिख दिए दस सैकड़ा बच गया और दस सैकड़ा क्या होता है ये होता है एक हजार तो अब हम इसी एक हज़ार को यहाँ जोड़ेंगे सात हज़ार तीन हजार दस दस एक ग्यारह हजार इस प्रकार से आपका ये जोड़ बन गया योगफल बन गया तो आई होप आप समझ गए होंगे कि आज की बात आपको नहीं बोलना है कि नौ चार तेरह का तीन बच गया एक एक नहीं बचता क्या बचता है बचता है दस लेकिन दस क्या इकाई है और दस इकाई बराबर क्या होता है एक दहाई होता है और हमें आगे दहाई में दहाई को जोड़ना है तो हम इसी एक दहाई को यहाँ पे जोड़ देते हैं और फिर इसी प्रकार से यहाँ दस दहाई बचता है तो दस दहाई कितना होता है एक सैकड़ा उसको हम आगे जोड़ देंगे इस प्रकार से आपका योगफल पूर्ण हुआ ये योगफल के अंदर जो एक रहस्य था जो बहुत कम बच्चों को पता होता है ये मैंने आपको आज बताया है तो आज हम इतना ही है रखते हैं अगले वीडियो में इसी तरह का एक और रोचक तथ्य लेकर उपस्थित होंगे तब तक के लिए बाय बाय थैंक यू